अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। आप लोग सुनाएं, कैसी जा रही है आप लोगों की पीओडी? रियली इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 दिन पहले कर दिया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत सब कुछ क्लियर हो गया है। सर, योर टोन ऑफ टीचिंग इज वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच। आज तो कोई जुगाड़ बताएं, रिश होना, रिच होना, क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, लास्ट लेक्चर मैंने रिमूव कर दिया। सर, मैनुअली भी प्रोडक्ट ऑप्शन का बता दें, मैनुअली हम नहीं करेंगे। मैंने मैंने कोडिंग में नहीं फंसाना आप लोगों को, नो वे। सर, कल अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिफाई पीओडी से ज़्यादा समझ आ गई। चलें, तो वेरी गुड, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ गई। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाए तो शिपिंग के दौरान रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती। वैसे होती नहीं है, कपड़े का क्या डैमेज होना है? कपड़े का क्या डैमेज होना है? या आपने तो लेक्चर के बाद कहा था रिमूव करने के लिए, तो लेक्चर के दौरान आप लोगों ने लेक्चर तो नहीं ना सुनना? लेक्चर के दौरान तो आप लोगों ने लेक्चर नहीं ना सुनना? तो अगर मैं लेक्चर से पहले रिमूव कर दूँ या फौरन बाद रिमूव कर दूँ, उसका क्या फ़ायदा होना था? मग्स नॉर्मली इस तरह के पैकिंग में जाते हैं कि वो नहीं डैमेज होते। सही कह रहे हैं आप लोग, नॉर्मली इस तरह के पैकिंग में जाते हैं कि वो नहीं डैमेज होते। नेट का इशू था, एल्स में क्लास में थी। ओके, आप लोगों में से ना मैंने एक चीज़, चले मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज़ को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो सिर्फ इसका क्वालिटी चेक करने का सिर्फ ये तरीका है कि आप लोग खुद ऑर्डर कर लें एक अपने लिए, और आप उस क्वालिटी को देख लें। अगर आपसे आपके मुताबिक, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो उसको डिस्पैच करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर को देख लें। और कोई तरीका नहीं कि उसकी क्वालिटी आप चेक करें। क्वालिटी का तरीका सिर्फ यही है कि आप उसको मंगवा लें, प्रोडक्ट एक अपने पास ऑर्डर कर लें और उसको मंगवा लें, चेक कर लें, देन आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। नहीं भेजते सैंपल्स, नहीं भेजते सैंपल्स, नहीं भेजते। अच्छा जी, कुछ लोगों के बारे में मैंने नोटिस किया है एक छोटा सा फिनोमिना। आप लोगों की क्लास में कुछ हैं ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, अब कि हमारा 40 मिनट या 50 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो हम चले जाएं क्लास से, हमारी अटेंडेंस लग जाए। मुझे जो जो लोग ये चाहते हैं कि उनके सिर्फ अटेंडेंस लग जाए और उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो मुझे अपने नाम वो मैनुअली बता दें मैसेज करके कि सर हम आते हैं क्लास में अटेंडेंस लगवाने के लिए, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो ऐसा काम करते हैं मुझे अपने नाम मैनुअली बता दें, मैं उनके अटेंडेंस खुद अपडेट कर दिया करूंगा। वो तो इस क्लास में ना आया करें। पाकिस्तान में कैसे रन करेंगे? आई मीन उस यूएस में रन करना पड़ेगा। एलएलसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं रिक्वायर्ड एलएलसी मोहम्मद जावेद। आप अगर अगर आपने यूएसए में कंपनी रन करनी है ना, यूएसए में रह के, यानी आपने यूएस बेनिफिट्स लेने हैं, तो फिर आप एलएलसी ओपन करवाते हो। अदरवाइज एलएलसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान से चीज़ें जहाँ मर्जी भेजते रहो। आपने पीओडी स्टोर रन करना है, पीओडी के लिए कोई एलएलसी की जरूरत नहीं है। yahoo.com। अच्छा, कल जब हमने क्लास क्लोज की थी तो हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी, जिस तरह मैंने आप लोगों को 3 एप्लीकेशंस बताई थी कि वेरिएंट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑप्शंस था, प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड था, इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस था। ये 3 4 चीज़ें हमने स्टडी की थी और इनको इंटीग्रेट करके हमने डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्शंस को टेस्ट आउट किया था। अच्छा, अगर अगर आप आते हैं अपना इसकी इंटीग्रेशन साइड पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन साइड पे जब आएंगे तो मुझसे कल कल मुझे इनकी ईमेल आई थी, जो हमने हल्क एप्लीकेशंस को एक्सेस देनी थी, तो उसकी उनकी मुझे ईमेल आई थी और मैंने उनको सारी की सारी अपनी डिटेल्स दे दी थी। ये देख लें, ये सारी की सारी मैंने उनको डिटेल्स दे दी थी। तो अब आई एम वेटिंग फॉर देम। देखें, 14 अगस्त, थर्सडे 14 अक्टूबर 2021 को उन्होंने इसमें लॉग इन करने की कोशिश की थी। अगर मैं उनकी एक्सेस की बात करता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने मुझे फिर एक री ईमेल की और उन्होंने मुझे कहा कि हमें सारी एक्सेस चाहिए। तो मैं सारी की सारी एक्सेस करूंगा, ओके करूंगा, एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगा, जिससे इनको हर चीज़ की एक्सेस मिल जाएगी।
यहाँ पर मैं ईमेल भी ओपन कर लेता हूँ जो ईमेल मैंने बनाया हुआ है, मेरिक्वेल फंडर एट याहू डॉट कॉम, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेशन दिखा दूँ कि कम्युनिकेशन किस तरह से हुआ। ये देखें, ये हल्की एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग अस योर सोर एक्सेस, आई वुड लाइक टू, कैन यू प्लीज रिमूव द बिलो टू एप्लीकेशन विच मैंशन इन स्क्रीन शॉट। वो कह रहे हैं कि जो दो एप्लीकेशन आपने ऐड की हुई हैं, क्या आप उनको रिमूव करेंगे, उनको रिमूव कर दें ताकि हम अपने प्रोसेस को फॉलो कर सकें। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड और वेरिएंट प्रोडक्ट ऑप्शंस, कह रहे हैं ये दो एप्लीकेशंस को रिमूव कर दें, ये हल्क वाले कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने बोल्ड वालों को भी की हुई है, तो बोल्ड वाले कुछ और ईमेल करेंगे, तो क्योंकि ये सारे आपस में राइवल्स हैं, ये सारे राइवल्स हैं, तो जो हल्क वाले हैं वो कहेंगे बोल्ड रिमूव कर दो, बोल्ड वाले कहेंगे आप हल्क रिमूव कर दो, तो इस तरह से करके वो आपस में ही लगे रहेंगे। तो क्या होता है कि आपने किसी एक एप्लीकेशन को यूज़ कर, एक किसी एक एप्लीकेशन को आपने सिलेक्ट कर लेना एंड देन आपने उसी के साथ स्टिक रहना है। मैंने रिमूव नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, देखें मैंने की हल्क हुई है और एक्सेस मैंने किसको दी हुई है, बोल्ड वालों को, यानी हल्क वालों को भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, बोल्ड वालों को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हल्क वाले कह रहे हैं कि बोल्ड रिमूव कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बोल्ड एप्लीकेशन इंटीग्रेट करके दिखा दूँ उनके थ्रू, ताकि आप लोगों को एक प्रोसेस पता चल जाए, तो वही प्रोसेस हल्क के लिए है, वही प्रोसेस बोल्ड के लिए है, वही प्रोसेस किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे प्रोसेस उसका सेम ही रहेगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हल्क वाले देखेंगे ना कि उन्होंने, मैंने एप्लीकेशन, जब बोल्ड वाले देखेंगे कि मैंने हल्क भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, प्रोडक्ट ऑप्शंस भी, दूसरी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, दे विल ऑल्सो ईमेल मी एंड दे विल से कि सर दूसरी एप्लीकेशन रिमूव कर दें, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से करके आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, ये हल्क वालों की है और वो ये कह रहे हैं कि आप रिमूव कर दें, समझ आइए लॉजिक कुछ थोड़ी बहुत, कंपटीशन है सारा, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे कंपेटिटर्स की एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहें और एप्लीकेशंस यूज करते रहें। जी आप एक्सेस दे दें, सारे एक्सेस दे दें, जो जो बोल्ड वाले कहेंगे आप उसकी एक्सेस दे दें, समटाइम टेस्टिंग के लिए जरूरी होती है उनकी 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 एक्सेस देना, नहीं डिलीट करेंगे तो नहीं प्रोसीड करेंगे वो आपके साथ। चले ठीक है, आप लोगों को मैंने पीओडी का थोड़ा समझा दिया कि पीओडी की प्रोडक्ट किस तरह से ऐड की जाती हैं। अगर किसी को पीओडी में कोई कन्फ्यूजन है प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट ऑप्शंस में, मुझे बता दें, मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ लेक्चर, यानी जीरो से हम दोबारा रिपीट कर लेंगे जिन लोगों को कन्फ्यूजन है। अगर सब कुछ क्लियर हो गया, आई होप सो, लेक्चर मैंने शेयर किया था, लेक्चर शेयर करने के बाद आप लोगों को कल भी मैंने बार 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 बताया था दो तीन एप्लीकेशन के साथ, तो आई होप सो आप लोग, आप सब लोगों को वो क्लियर होगा कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जब ड्रॉप शिपिंग में आएंगे तो ड्रॉप शिपिंग तब कर लेंगे, पीओडी की मैं भी बता देता हूँ। पीओडी में नॉर्मली रिटर्न्स इंटरटेन नहीं होते, पीओडी में या तो ये होता है कि अगर सिर्फ उस टाइम पे आप इस रिटर्न पॉलिसी को ऐड करते हो कि अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो, तो जगह अगर प्रोडक्ट डैमेज हो तो उसमें भी रिटर्न नहीं होता, आप एक नई प्रोडक्ट ऑर्डर करके उसको भेज देते हो, बट उसके लिए आपको प्रूफ लेना पड़ता है उनसे कि हमें फोटो भेजें कि आपकी प्रोडक्ट डैमेज है, तो अगर वो प्रोडक्ट का प्रूफ भेजते हैं तो फिर आप उनको एक नई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, मेरे साथ मेरे पूरे इस करियर में दो या तीन बार ऐसा हुआ कि मुझे प्रोडक्ट तो दोबारा री ऑर्डर करनी पड़ी है। तैमूर अली, अगर आप अभी तक आप लोगों को आपको सप्लायर ही नहीं पता चला तो मेरा ख्याल है आप क्लासेस नहीं ले रहे थे लास्ट दो तीन क्लासेस, अगर आपको सप्लायर की, अगर आप सप्लायर की बात कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर हमें सप्लायर की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, जो पीओडी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पीओडी सर्विस प्रोवाइडर ही आपकी हर आइटम को एंटरटेन करते हैं, आपके हर प्रोडक्ट को एंटरटेन करते हैं, रीऑर्डर आप ही बेयर करोगे, जाहिर सी बात है। प्रिंटिफाई भी ठीक है यार, प्रिंटिफाई भी आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इशूज़, हम प्रिंटिफाई कर लेते हैं, चलें ठीक है हम प्रिंटिफाई भी चेक कर लेते हैं। अगर आपने प्रिंटिफाई करना है, सर्विस प्रोवाइडर अदील पीओडी में सर्विस प्रोवाइडर अली एक्सप्रेस से कैसे आप लोगे, मुझे सिर्फ ये समझा दो, पीओडी में अली एक्सप्रेस से सर्विस प्रोवाइडर क्यों लोगे आप? क्लाइंट की वेब मैंने पार्टनर प्रोग्राम पे क्रिएट की और रात को उन्होंने मुझे डोमेन सेंड की, अगर मैं डोमेन सेट करूंगा तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा या फिर पार्टनर प्रोग्राम पे ही रहेंगी?
वो आप उससे कंफर्म कर लें यार, मेरा ख्याल है ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड ऐड होना भी ज़रूरी है उसमें आपके स्टोर में। तो क्लाइंट को बोलें कि अपना ट्रायल अकाउंट क्रेडिट कार्ड ऐड कर दें, क्योंकि क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बगैर ट्रायल अकाउंट स्टार्ट नहीं होगा। इजी सर्विस प्रोवाइडर कर सकते हैं जी, पीओडी सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट। अच्छा जी, अगर मैं कस्टमाइज स्टोर पर जाता हूँ और यहाँ पर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्रिंटिफाई, और मेरे पास कुछ लोग आते हैं मैसेजेस में आते हैं और वो कहते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो हमें इन लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही। जब भी मैं नया टॉपिक शॉपिफाई का स्टार्ट करता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए पीओडी स्टार्ट किया, एक नया स्टोर पे नई चीज़ें बना के हमने किया। तो इवन के जब हमने पीओडी स्टार्ट किया तो पीओडी स्टार्ट से एक दिन पहले आप लोगों को मैंने रिवीन करवाई थी, जिसमें थीम सेट करना, उसके नेविगेशन सेट करना, नेविगेशन क्रिएट करना, मल्टीपल नेविगेशन क्रिएट करना, वो सारा मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर अभी अभी भी आप लोगों को ये लगता है कि हमारा हमें शॉपिफाई समझ नहीं आ रहा, तो दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि तरीका के मैं एक चीज़ को लेके बार बार एक चीज़ को लूँ और उसको कवर करता चला जाऊँ और पीछे वाला छोड़ दूँ। मैं बार बार बैक जाके आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि यार ये मेन्यू ऐसे क्रिएट होता है, ये फुटर ऐसे चेंज करना है आपने, सेटिंग में जाके ये चेंज करना है, ये चीज़ ऐसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को ड्यूरिंग दिस क्लास भी चीज़ समझ नहीं आई, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने पहले दो तीन क्लासेस नहीं ली, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बिल्कुल आप लोगों को समझ कभी नहीं आनी, ये चीज़ आप सोच लें। दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। प्रिंटिफाई ठीक है, प्रिंटिफाई प्रिंट ऑन डिमांड एड ऐप। और एक चीज और आपको बता दूं, समटाइम्स ये एप्लीकेशंस इनकॉग्निटो मोड में सही वर्क नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कोई इश्यू है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक बार दूसरे ब्राउजर में जाकर चेक कर लिया करें। अच्छा, ये वो वाला तैमूर है, मुझे नहीं आइडिया, अगर वो लेक्चर वो ये वो वाले तैमूर हैं तो फिर बहुत होंगे सर्विस पॉइंट। अच्छा, मैनेज स्टोर देख लेते हैं, हमने स्टोर ऐड करना है इस पे अपना। पहले मैं साइन इन कर लूँ, मैं पासवर्ड रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है तैमूर, आपके क्वेश्चन का आंसर करना बनता है भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर करना बनता है मुझे। आप पूछो क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। साइन अप कर लेते हैं हम इसको। इतनी मेहनत करते हैं तैमूर साहब आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर माई प्रोडक्ट माई सेल्फ, आई एम हेयर टू सेल प्रोडक्ट्स, आई एम हेयर टू सेल प्रोडक्ट्स, आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेसिंग बल्क ऑर्डर्स, नो आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेसिंग मैनुअल वन बाई वन ऑर्डर्स, व्हाट डिस्क्राइब्स यू आर बेस्ट आर्टिस्ट, आर यू सेलिंग, यस आई हैव एन ऑनलाइन स्टोर, कितना रेवेन्यू है आपका पर मंथ, $500, कुछ भी चूज कर लें यहाँ पर, ठीक है। अब देखें आगे आगे प्रोसेस सारा वही है। डिजाइन योर फर्स्ट प्रोडक्ट, क्या आपने पहली प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, क्या आपने डिजाइन करना है, आई एम इंटरेस्टेड। अभी देखें आपसे पूछ रहा है आपने क्या डिजाइन करना है, शर्ट्स जैसे मेंस क्लॉथिंग में आ गए आप, मेंस क्लॉथिंग में आप कहते हैं मैंने शर्ट डिजाइन करनी, ये मैंने शर्ट ओपन कर ली, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये शर्ट डिजाइन करनी है, ये शर्ट है आपकी। अच्छा जी, इसके देखें वो कह रहा है कि इसकी प्राइस $8 है, $8.5 है, और $4 इसकी शिपमेंट है, एवरेज प्रोडक्शन टाइम 3.7 डेज है, स्मॉल टू 5XL XL आपके पास साइजेस अवेलेबल हैं, और ये कलर्स अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ स्टार्ट डिजाइनिंग। अब देखें आगे प्रोसेस वही है, उन्होंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि रिकमेंडेड साइज आपका 3600 बाय 4800 होना चाहिए, फ्रंट साइड बैक साइड उन्होंने सारी आपको बता दी है, यहाँ पर उनका कहीं पे उन्होंने नहीं दिखाया हुआ कहीं पे इसका साइज किधर बताया हुआ उन्होंने, मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए आपकी, ओनली PNG एंड JPEG सपोर्टेड। चले हम एक रफ सा डिजाइन बना लेते हैं, एक रफ सा डिजाइन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आता है। डबल साइड प्रिंट करवा सकते हैं, दोनों साइड के उन्होंने आपको ऑप्शन दिए। मैं अपना एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ और एक हम रफ सा डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद हम इस क्लास इसको क्लोज करेंगे इस टॉपिक को, एंड देन फिर मूव कर जाएंगे लैंडिंग पेज पे और दूसरी हमारी जो चीजें हैं।
3600 रुपये, 4800, यही है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आता हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ, एक साइड प्रिंट करवाना चाहे एक भी कर सकते हैं आप, एक साइड का डिज़ाइन भेज दें उनको। न्यू 3600 बाय 4800। देखें जितना जितना ये साइज है, कैनवा इतना साइज हैंडल ही नहीं कर सकता, अब ये साइज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली कलर्स कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, ओके। ओके ब्रश, ओके इसका साइज को बढ़ा लेता हूँ। रेजोल्यूशन 300 नहीं होना चाहिए, रेजोल्यूशन का कोई मसला नहीं है यार, आप रेजोल्यूशन कोई भी कर सकते हो, चल क्यों नहीं रहा। नहीं यार, मैं इतना रफ सा डिजाइन बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही रफ सा डिजाइन बनाएंगे। चलिए, मैं इसको सेव एज करता हूँ, यही डिजाइन है, यही डिजाइन है बस, मैंने इससे ज्यादा नहीं बनाना, ऐसा ही डिजाइन चलाएंगे हम। इसको PNG इंपोर्ट कर लेते हैं और सेव, वापस जाते हैं अपने स्टोर पे, यहां पर आए, ऐड डिजाइन फ्रॉम योर डिवाइस, ठीक है। विल टेक सम टाइम, ये इसकी फ्रंट साइड अपलोड हो रही है, हम इसकी बैक साइड भी देख लेते हैं। अभी देखें प्लेस करना, आपने कहाँ प्लेस करना, अच्छा इसमें ये ऑप्शन है, सिर्फ इतना हिस्सा ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं बैक साइड पे, बैक साइड पे हम ये डिजाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये प्लेस हो गया, आपने इसकी साइज हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है, आप प्रीव्यू करके देख लें एक बार, पेंट मिक्सिंग वगैरह खुद ही करते हैं वो, और आपको एक छोटा सा डेमो बना कर दिखा देते हैं। देखें ये उन्होंने आपको दिखा दिए, ठीक है, सेव प्रोडक्ट करें। एंड यू आर डन, क्या आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर पे सेव हो गई है, ये री प्रोडक्ट एक आपके, इसको आप देखना चाहें, पब्लिश करना चाहें, पब्लिश कर दें एंड डन। ये प्रिंटिफाई, प्रिंटिफाई का प्रोसेस देख ले, सेम है सारा, आपने डिजाइन बनाना है, डिजाइन ऐड करना है एंड देन आप इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं। अगेन अदील, ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो प्रिंटेड इस तरह की प्रिंटिंग करनी करते हो आप लोग जो, ये इस तरह नहीं होता कि आप जिस तरह कहोगे उस तरह करके देंगे, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपको वो सर्विस प्रोवाइडर आप प्रोवाइड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर उस चीज़ को अलाउ करता है तो फिर आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये देख लें उन्होंने क्या किया है, स्मॉल लार्ज और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, कलर स्कीम उन्होंने व्हाइट ऐड कर दी है और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है, डिजाइन अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। और अगर मैं बाकी और प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ,
अगर और प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, जैसे ये हम अपने इस पे आया, तो यहाँ पर हमारे पास देखें ऑप्शन आ रहा है, कलर टेक्स्ट राइट टेक्स्ट सारा ऑप्शन आ रहे हैं। उसकी वजह ये है, सुन लें गौर से, उसकी वजह ये है कि जो हमने अपनी एप्लीकेशन ऐड की हुई है, उस एप्लीकेशन की जो हमने उसमें जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई हैं, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई हैं उस पे हमने अभी उसमें हमने इस प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया। जैसे ये देखें हमारा जो थीम, आई डोंट नो हमने इस पे कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक ट्राई कर लेते हैं। ऐप्स में आया, मैं ऐप्स में आया, आई डोंट नो बोल्ड अप्लाई की है या हमने इन्फिनिट या कौन सी ऐड की है। अगर बोल्ड की है तो चलें बोल्ड देख लेते हैं। ये देखें बोल्ड में आया मैं, अच्छा जी बोल्ड एप्लीकेशन, ये आ गया हमारे पास डिटेल। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ऑप्शंस, ये हमारे पास एक हमने ऐड की है इमेज कलर टेक्स्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया एडिट। अब यहाँ पर देखें रिव्यू प्रोडक्ट्स, अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स एडिट हैं वो ये वाली हैं जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं, ये रही। अगर मैंने, क्योंकि यहाँ पे वो शर्ट है, जो शर्ट थी हमारी वो नहीं आ रही, मैं एडिट सिलेक्शन का बटन क्लिक करूंगा, यहाँ मेरे पास देखें वो शर्ट हमारे पास सिलेक्टेड नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेव सिलेक्शन किया और इसको हम सेव कर देंगे। तो आई होप सो हमारा वो ऑप्शन जो अभी हमारे जो प्रोडक्ट हमने अपलोड की थी शर्ट की, उसमें हमारे पास शो हो जाएगा। यस, इसी तरह प्रोडक्ट अपलोड के बाद आपको वो उस पे वेरिएंट में वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपको कि इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएं, उस पे वन बाय वन जो है जाके आप लोग इजीली अपने चीजें अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर बोल्ड नहीं ऐड हुई थी, कोई और एप्लीकेशन ऐड हुई है, बट प्रोसेस आपको समझ आ गया है, राइट? प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। किसी वेबसाइट के लिए पता चल सकता है कौन सा थीम यूज किया हुआ है? यस, आप सिंपल आपने गूगल करना है। अगर तो उसने थीम का नाम चेंज नहीं किया हुआ फिर तो पता चल सकता है, थीम का नाम चेंज कर दिया फिर नहीं पता चलेगा। ये देखें आप गूगल करें, शॉपिफाई थीम डिटेक्टर, यहाँ पर आए, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें। जैसे देखें मैं कहता हूँ www.sukira.com डिटेक्ट थीम, तो ये क्या करेगा, जो उसका थीम इंस्टॉल हुआ होगा, ये देखें फास्टर, जो थीम उसका पहला थीम जो जो थीम पब्लिश हुआ होगा उसको जो नाम होगा बैकएंड पे, अगर मैं ये नाम चेंज कर दूंगा ना यहाँ पे, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा थीम यूज हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर कर लेते हैं, जैसे ये थीम, जैसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आया एंड डिटेक्ट थीम, इंस्पेक्ट से भी नहीं पता चलेगा यार, इंस्पेक्ट से आपको अगर थीम का नाम नहीं पता तो नहीं पता चलेगा। देखें ये इन्होंने लिखा हुआ, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ, देखें नहीं पता चल रहा। अगर मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चला जाता हूँ, चलें मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, या एक्सटेंशन से भी हो जाता है, लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करके अपने ब्राउजर पे जरूर लोड डालना है जब आपको चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। जिन लोगों के सिस्टम ज़रा अच्छे हैं वो लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी उनका क्रोम तो बर्दाश्त कर लेता है लोड, बट जिनके सिस्टम इतने अच्छे या इतने अपडेटेड नहीं है उसमें फिर लोड ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल, हर एक्सटेंशन डाउनलोड करने से बेहतर है आप कोई काम ऑनलाइन कर लिया करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हम लोग चेक कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग चेक कर सकते हैं सोर्स कोड से। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल यू का बटन प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके रिव्यू पेज सोर्स, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे कौन कोड पढ़ता रहेगा यार,
क्लास को कंफ्यूज करेंगे हम। चलें देखें यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एफ करें। अच्छा यहाँ पर नहीं वर्क कर रही है, यहाँ से भी हो जाता है यार। कहते कि यार देख लो यार, ये देखो ये थीम डिटेक्टर वेबसाइट है, थीम डिटेक्टर। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आप ऐड करें और आपको वो उसका नाम बता देगा। यहाँ तक क्लियर? थीम पब्लिश नहीं होनी चाहिए, उसका करना थीम को आपने। फॉन्ट ऑप्शन में फॉन्ट, अगर आपको वो सर्विस प्रोवाइडर अगर ऑफर कर रहा है, वो एप्लीकेशन प्रोवाइडर अगर आपको ऑफर कर रहा है कि फॉन्ट ऐड करने का ऑप्शन वो दे रहा है कि फॉन्ट कैसे करना है, या आप उसमें टेक्स्ट एलिमेंट एक टेक्स्ट लाइन ऐड कर दें, विच फॉन्ट डू यू वॉन्ट टू यूज, वो फॉन्ट का नाम लिख देंगे आप, उस फॉन्ट को यूज कर लेना बस। बट इतने ज्यादा ऑप्शंस मेरे ख्याल से नहीं देने चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, सईदा, अरुणा, अतर और बाकी लोग भी, कि अगर वो लोग वो फॉन्ट आपको कह दें जो कि फ्री में अवेलेबल ही नहीं है, आप कहाँ से उस फॉन्ट को चूज करते रहोगे, कहाँ से ढूंढते रहोगे? हर बंदा आएगा डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के साथ आएगा, हर बंदा आएगा डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के साथ आएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी आप लोगों के लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे हमारा हमारा तो एतबार ही उठ गया इससे, ड्रॉप शिपिंग से या पीओडी से, क्योंकि अब हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स, अपनी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स खुद ही बनाते हैं हम लोग। हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में खुद ही डालते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार ये चीज़ फजूल है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं देनी, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप ड्रॉप डाउन में ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन में ऐड कर दें। क्योंकि पता क्या है, मैं आपको सिंपल से चीज़ लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप कस्टमर को ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप चाहे बोर्ड बोर्ड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। एक शर्ट है या एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें जो चीज़ें हैं ना, उसमें से आप हर चीज कस्टमर को निकाल के ला के दिखा दोगे ना, कस्टमर कहेगा यार ये मुझे पसंद नहीं आ रही। इट इज सेम लाइक कि आप शॉप पे जब जाते शॉप पे जब जाते हो ना, तो जब दुकानदार आपको लिमिटेड आइटम्स दिखाता है ना, तो आपकी ख्वाहिश होती है, आपके दिल में आ रहा होता है कि यार ये ना मुझे, इसने छुपाए हुए आइटम्स कोई ना कोई जरूर, छुपाए हुए आइटम कोई ना कोई जरूर नीचे रखे होंगे, यार भाई वो नीचे से निकाल दो जरा, जो जो नया माल आया है, या ये जो आपने पीछे स्टोर में रखा है, स्टोर से कोई नई चीज जो आई है वो निकाल के ला कर दे दो। क्योंकि कस्टमर ये सोच रहा होता है कि यार इसके पास और भी चीजें मौजूद हैं, ये बस बता नहीं रहा। सिमिलरली जब आप लोग ब्रांड की शॉप पे जाते हो, आपको पता होता है ना कि यार ये चीजें अवेलेबल है, इनमें से लेनी है तो लो, नहीं तो किसी और शॉप पे जाओ, निकल जाओ। जो लोकल शॉप और ब्रांडेड शॉप में डिफरेंस यही होता है कि जो ब्रांडेड शॉप है वहां पे एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, उसी में से आपने लेना है, वही कलर स्कीम, वही चीजें सारी वही होती हैं, उसी में से आपने लेना है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट जब अगर आपकी एक शॉप बनी हुई है और आप कस्टमर को फॉन्ट दिखा रहे हो, 1 2 3 4 5 फॉन्ट दिखा रहे हो, कस्टमर कहेगा यार ये फॉन्ट तो मेरे पसंद के नहीं है, छोड़ो यार मैंने ऑर्डर नहीं करना, फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है। तो कस्टमर को इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं देने चाहिए कि कस्टमर अपने आप को बादशाह समझना शुरू कर दे। इतने ज्यादा ऑप्शन कभी नहीं देने चाहिए, जितने आप ऑप्शन देते रहेंगे कस्टमर उतना बिगड़ता रहेगा। कस्टमर एक बार ऑर्डर कर दे, अगली बार कहेगा यार देखो मैंने पिछली बार भी ऑर्डर किया था, अल्लाह का वास्ता ये कलर जो है ना वो कर दो, जो थोड़े स्टोर से आई नहीं, यानी जो इसका कलर वो करते हैं आप जो आपके स्टोर पे नहीं है, हाँ फ्री हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं देने चाहिए कस्टमर कभी भी, ये टिप है आप लोगों के लिए। क्योंकि हमेशा लिमिटेड चीज़ें रखो, लिमिटेड आइटम्स दिखाओ, और जो निच बेस्ड प्रोडक्ट्स, निच बेस्ड आइटम्स पे काम करने की वजह भी यही होती है, कस्टमर को आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना दिखाओ। फाइवर या आप जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो, ये इसमें भी सेम यही यही फिनोमेना होता है। एक बार ना एक मैं जॉब कर रहा था एक क्लाइंट के लिए, शायद $8 पर आर पे कर रहा था या $7 पर आर पे कर रहा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि किस अमाउंट क्या थी वो। तो हुआ ये कि उसने मुझे कहा कि यार मेरे वर्डप्रेस में ना कोई थोड़ा काम है, वो तुम फिक्स कर दोगे? कहा हाँ जी फिक्स कर दूंगा। तो वो मैंने क्या किया उसका, मैंने फिक्स कर दिया काम। अब वो फ्री ऐसा हो गया, वो रेट $8 रखता था और वो कहता था यार मेरा ये काम भी कर दो वर्डप्रेस का, मेरा ये काम भी कर दो, ये काम भी कर दो। वर्डप्रेस पूरी पूरी वेबसाइट $8 में, $8 पर आर में डेवलप करवाना शुरू हो गया वो। फिर मैंने सोचा भाई रहा हाथ थोड़ा रखो, ये $8 वाला काम नहीं है, और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अभी मेरी कल एक क्लाइंट से बात हो रही थी, अभी मेरी कल एक क्लाइंट से बात हो रही, नहीं पाकिस्तान नहीं था जावेद, कल मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि
कितना लोगे पर आवर मार्केटिंग के लिए? उसकी 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 6 कंपनीज हैं, उन 6 कंपनीज की मार्केटिंग करनी है। तो मैंने उसको $24 पर आवर कहा, $24 पर आवर। अरे जब $24 पर आवर कहा मैंने उसको, तो कहने लगा ओके ठीक है डन। अच्छा फिर मेरा उससे जब दोबारा बात हुई शाम में, तो वो कहने लगा हाँ मोहम्मद मुझे याद आ गया, तुम तो अमेजोन AWS पे भी काम कर सकते हो, अमेजोन AWS पे भी। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ काम मैं। कहता ठीक है, मैंने अमेजोन AWS पे भी काम करवाना है। तो मैंने स्ट्रेट अवे उसको ये कहा, मैंने कहा जो रेट मैंने तुझे दिया था वो मार्केटिंग के लिए दिया था, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स और बाकी सारी चीज़ें, वो 6 कंपनीज की मार्केटिंग के लिए वो उसके लिए दिया था मैंने। और अमेजोन AWS तुम जरा अपवर्क पे जाकर सर्च करो, लोग 150-150 $200 पर आवर भी ले रहे हैं। तो हमेशा डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट रेट बताएं उसको, क्लाइंट को हमें सर पे ना चढ़ाएं कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर रगड़ना शुरू कर दें। तो अमेजोन AWS के लिए मैंने उसको एक सेपरेट रेट दिया। उसने मुझे पूछा कि अमेजोन AWS में कितना लोगे, तो मैंने कहा इतना लूंगा, तो अमेजोन AWS का फिर अलग रेट है। तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है यार ये वो चीपो काम नहीं है, चीपो टाइप का ये एक स्पेसिफिक काम है जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, तो आप क्लाइंट को समझाया करें। हाँ गिग के एक्स्ट्रा में डाल दें, बायर को कहें कि वो वहाँ से बाय कर लें, या आप अपना एक स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट कर लें अपवर्क पे और उससे आप कर लें कि मुझे उस पर हायर कर लो। अमेजोन पे मेरा स्टोर नहीं है यार, अमेजोन मैं नहीं काम करता अमेजोन का, अमेजोन AWS अलग चीज़ है। AWS उसकी एक समझ लें क्लाउड होस्टिंग है एक किस्म की, तो उस पे मैं काम करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो मुझे काफ़ी हद तक आता भी है, और इसलिए फिर वो क्लाइंट मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करने का कह दिया। अगर नहीं भी आता हो आप लोगों का काम, तो मैं हमेशा ये चीज़ आप जहन में रखा करें, जब भी आपने किसी से कोई काम करवाना है ना, तो उसकी बेसिक्स आप लोगों को जरूर पता हो, ताकि आप लोग काम एटलीस्ट चेक तो कर सको ना, चेक तो कर सको काम की क्वालिटी। अगर आपको काम नहीं भी आता तो बेसिक जरूर पता हो। आउटसोर्स करने का फायदा नहीं मोहम्मद शुएब जमील जब तक आपको खुद उसका बेसिक नॉलेज ना हो। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना ऑनलाइन, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रीलांसर से आपने क्वेश्चन क्या क्या पूछने हैं। पाकिस्तान से बाहर चीजें नहीं बेच सकते, आपने उस दिन कहा था बहुत ज्यादा शिपिंग चार्जेस, बेच सकते हैं सईदा रूना अख्तर। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप बाहर से ही सोर्स करें प्रोडक्ट को और बाहर ही सेल कर दें। पाकिस्तान से चीज़ बनवा के बाहर सेल करेंगे तो चीज़ वो सेल करें जिसकी वर्थ भी हो, जैसे प्रोडक्ट इस तरह की सेल करें जो कि $300-400 की सेल हो। अगर आप 60-70-80 डॉलर शिपिंग चार्जेस दे देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहता हूँ फुटबॉल सईदा रोना, तो फुटबॉल $50 का फुटबॉल आ जाता है बहुत अच्छा, $60 का आ जाता है, $100 का आ जाता है, बट क्या है कि उसको आप भेजना बहुत उसका डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ड्रैगर्स, मेरा स्टूडेंट है वो, बल्कि नहीं यार किचन नाइव्स, मेरा स्टूडेंट है वो किचन नाइव्स का काम करता है। अब उसकी एक एक नाइफ जो है ना वो, जैसे जैसे ये सेट है ना पूरा, ये एक सेट जो है तकरीबन $300 का होगा, एक सेट जो है $300 का उसका है, ठीक है। जब $300 का एक सेट वो सेल करता है, तो वो $300 ये सेट $300 का सेल करता है, और उसकी इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो आती है मैक्सिमम कोई $80, 70-80 डॉलर। तो $70-80 के साथ अगर वो 100-150 $70-80 डॉलर के साथ अगर वो 50-60-70 डॉलर की शिपिंग ही पे कर देगा ना, तो उसको फिर भी $150 का प्रॉफिट है। तो चीज़ें इस तरह की सेल करनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान शिपमेंट करना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें सेल करो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपका ज़्यादा हो। मुझे उसने भेजा था लिंक अपने स्टोर का, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, हिटमैन, मुझे याद नहीं आ रहा उसका स्टोर का, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गया ना उसका स्टोर का लिंक आप लोगों को दिखाता हूँ। हमेशा प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है वो, मुझे उसका लिंक नहीं मिल रहा, उसने मुझे एक दिन भेजा था लिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए खैर मुझे अभी तो नहीं मिल रहा, बट वो नाइफ सेल करता है इस तरह की, जितना की ये है ना ये सेम उसी का है। अब देखिए $100 चार्ज कर रहा है इसका वो, $100 इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ना वो मैक्सिमम होगी $30। $30 के साथ अगर ये $50 शिपमेंट के भी पे कर रहा है, तो फिर भी $20-30 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ये देखें जितना ये है,
ये तो खैर और है कोई, ये वो नहीं है, बट वो करता हूँ। तो प्रोडक्ट्स वो सेल करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो, ये नहीं कि आप लॉस में करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। ये पीओडी तो नहीं है माद, पीओडी तो नहीं है ये इसको पीओडी कौन कहता है? थीम बेस्ड होते हैं यार, थीम में ऐड होते हैं, आप उसको थीम के साथ कर लो, या आप उसको जिसे कहते हो किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर लो, एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन हो सोशल शेयरिंग आइकॉन्स की, जैसे मैं चले हम देख लेते हैं कोई यहाँ पे एप्लीकेशन सोशल प्रोडक्ट्स, नॉर्मली थीम के साथ होती है, बट कुछ थीम में अगर ना भी हो तो आप यहाँ से एप्लीकेशन देखें, सोशल शेयर बटन्स, ऐड सोशल शेयर मीडिया बटन्स, तो यहाँ आपको फ्री भी मिल जाएगी और प्रीमियम भी मिल जाएंगे आपको। सोर्स क्या होगा प्रोडक्ट का? आपके लोकल मार्केट, वहां से बनवाओगे आप जाके, ये सोर्स होगा। वेंडर वगैरह बाहर हो तो फिर कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर हो जाता है। स्ट्रीट पे इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर होगा, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ वही प्रोडक्ट्स देखे। देखो यार ये जो है इसमें ऑलरेडी है, ये देखो ये जो ये थीम है, थीम में ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो कोशिश किया करो थीम वो चूज कर लें जो बिल्ट इन हो, जिसमें बिल्ट इन हो, अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको इंटीग्रेट कर दो। ऐसा ही है, इतने सारे एप्लीकेशन लैंडिंग पेज करते हैं यार, पाकिस्तान का बैंक और जैज की इंटीग्रेशन तो बताएं कैसे? नहीं यार वो नहीं, पाकिस्तान का बैंक ना ही, ना तो बैंक इंटीग्रेट होता है, पहली बात सुन लो अदील, बैंक तो इंटीग्रेट होता ही नहीं है कभी भी, कि आप डायरेक्टली पेमेंट आपके बैंक में आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है कि आप उनको बैंक अकाउंट नंबर दे देते हो और वो फिर उस बैंक में आपको पेमेंट कर देते हैं, फिर आप उस पेमेंट को चेक करते हो मैनुअली जाके अपने अकाउंट में, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से चले जाओ या किस तरह जिस मर्जी चले जाओ, जाके चेक करते हो, फिर आप उस ऑर्डर को प्रोसेस कर देते हो। दूसरा ये कि जैज कैश और ये जो इस तरह की एप्लीकेशन हैं, ये शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन के लिए आपको डेवलपर की जरूरत होती है, आपको खुद से नहीं, खुद नहीं आती है आपको करनी, तो यूनिट से नहीं कर सकता है। सर ये देखें, अगर स्टो हॉर्स सैडल वगैरह सेल करना हो तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए हमें ज्यादा सेल होगी, वहां की हॉर्स राइडिंग होती है। मैं अभी इसको देख के नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट सेल होगी या नहीं होगी, जरूर करें चीजों को ट्राई करें, डिफरेंट चीजों को ट्राई करें, और उसके बाद फिर आपको अंदाजा होगा कि सेल हो सकती नहीं हो सकती। आपने ड्रॉप शिपिंग ही करनी है, ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई मसला नहीं है, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सा, आपने चीज़ पहले बाय करनी है फिर बाद में उसको डिलीवर करना है, तो आपने चीज़ तभी ऑर्डर करनी है जब आपको ऑर्डर आएगा। हम किस तरह पेमेंट गेटवे पे काम करेंगे? हम काम करेंगे टू चेकआउट पे, टू चेकआउट इंटीग्रेशन आप लोगों को समझाऊंगा मैं, टू चेकआउट आप लोगों को अप्रूव करना भी सिखा दूंगा, बाकी एप्लीकेशन सबमिट करना, अप्रूव करवाना, अप्रूव करवा के उसको इंटीग्रेट करना आप लोगों का काम होगा। टू चेकआउट, टू चेकआउट अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाता है अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करें तो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि हम बस डायरेक्टली जाते हैं अप्लाई कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर चीज़ें सेट किए और बगैर चीज़ों को समझे अंडरस्टैंड किए, तो इसीलिए हमारे अकाउंट अप्रूव नहीं होते टू चेकआउट पे। अगर आप टू चेकआउट को प्रॉपरली यूज़ करें, प्रॉपरली चीज़ उसको अंडरस्टैंड करें, प्रॉपरली उसको एक्सप्लोर करें, टू चेकआउट इज़ वेरी इजी टू अप्रूव, टू गेट अप्रूव्ड। खुद से लगाएंगे, जीशान रशीद कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, बट क्या है कि फेकिंग होती है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो टू चेकआउट पे आपको फायदा ये होगा कि आप पेपॉल से ही पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे, और पेपॉल से ही पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे। चार्जेस लिखे हैं मैंने, 4.5% प्लस 0.45 डॉलर्स, थोड़े बहुत चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। टू सेल देखें, ये रहा 3.5% प्लस 0.35 डॉलर्स, यानी आपके सेल का 3.5% प्लस 0.35% आपका ये फिक्स रेट है उसका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार, ये पेमेंट गेटवे है जो कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हो, और इसके थ्रू आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, जैसे आप पेपॉल से करते हो, इस तरह से आप, ये पेमेंट गेटवे है बेसिकली। पेयोनियर नहीं हो सकता इंटीग्रेट यार, पेयोनियर पेमेंट गेटवे नहीं है, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें।
पेयोनीर सिर्फ पेमेंट्स मंगवाने के लिए होता है, पेयोनीर पेमेंट गेटवे नहीं है। पेयोनीर का पेमेंट गेटवे आ जरूर रहा है, कुछ अरसे में आ जाएगा, तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। जब आ जाएगा तो फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, पेमेंट इनके अकाउंट पर जाएगी एंड देन इनके अकाउंट से फिर आप लोग अपने पेयोनीर अकाउंट में मंगवा सकते हो या अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो डायरेक्टली। स्ट्राइप शॉपिफाई के साथ वर्क करता है, स्ट्राइप वर्क करता है शॉपिफाई के साथ, बट पाकिस्तान में कैसे करोगे आप? पाकिस्तान में नहीं वर्क करेगा। पूरी दुनिया का आप पेपॉल यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। जाहिर सी बात है शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होगा, ये शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन होगी इसकी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन किस तरह करनी है, ठीक है? आप लोगों को इसको अप्रूव करवाने का तरीका ये बता दूंगा, आप लोगों को अप्रूव करने का तरीका ये बता दूंगा, और आप लोगों को इंटीग्रेट करना है बता दूंगा। ये दोनों चीजें पाकिस्तान में पेपॉल बाय सम वेज इन नहीं किसी वे से वर्क नहीं करता यार। सिर्फ इस तरह वर्क करेगा कि आपका कोई कजन भाई बाहर रहता है, उसका पेपॉल आप यूज कर लें पाकिस्तान में रह के। इजी पैसा इंटीग्रेट देखा है तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती हैं ज्यादातर, वर्डप्रेस की अपनी एप्लीकेशन है उसके साथ, उसका वर्डप्रेस का प्लगइन है, जैज कैश का भी शायद प्लगइन होगा, तो वो यूज करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मैंने कभी नहीं किया यूज उसे। पेपॉल बिजनेस में बनाया था, पाकिस्तान में पेपॉल नहीं यूज होता, आपके पेमेंट फंस जाएंगी, फिर मुझे आगे आप लोग कहेंगे कोसेंगे सर वो मैंने आपका ट्यूटोरियल देख के बनाया था पेपॉल, बट मेरी पेमेंट फंस गई है $500 की, मुझे निकलवा के दें, निकल नहीं रही, प्लीज कुछ कर दें सर, प्लीज कुछ कर दें। तो मैं ऐसे तरीके कभी नहीं बताऊंगा जिस जो बाद में जाके आप लोग सफर करें मैं सफर करूं। इंटरनेट है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो स्नोबॉल वाले की वीडियो देख लें, बहुत सारी स्नोबॉल वाले ने बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई है कि पेपॉल पाकिस्तान में किस तरह बनता है। मेरा पेपॉल है लेकिन मैं खुद कजन का यूज करता हूँ, ऐसा ही है कुमार। दुबई में पेपॉल है, तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग पेपॉल यूज करना चाहते हैं तो किसी भाई किसी कजन जो बाहर रहता है बाहरी कंट्री में उसका यूज कर लें, पाकिस्तान में रह के आप किसी भी गुरु का देख के बना लें, जो गुरुज ऑनलाइन बहुत सारे हैं, किसी का गुरु ट्यूटोरियल देख के बना लें। और अगर आप जिम्मेदार, अगर आपकी पेमेंट ब्लॉक होती है, अकाउंट ब्लॉक होता है, तो फिर आप उसी गुरु के पास जाके पूछ लीजिएगा। मैं ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को मसला हो जिससे बाद में। आप वीपीएन से ही यूज करते होंगे, अदरवाइज अकाउंट डिलीट कर देते हैं। नहीं, मैं बगैर वीपीएन के यूज करता हूँ सिर्फ। पेपॉल का बिजनेस अकाउंट के साथ इंटीग्रेट होता है? नहीं यार, इंटीग्रेट बिजनेस के साथ नहीं होता, इंडिविजुअल अकाउंट के साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो पेपॉल की कहानी यहीं पे खत्म होती है। पेपॉल हमने नहीं ना बनाना सिखाना है मैंने, ना उसको अप्रूव करवाना सिखाना है, क्योंकि जो पेपॉल पाकिस्तान में है ही नहीं तो हम क्यों करें। हाँ, लीगली पाकिस्तान में आ जाए, दुआ करें मिल जाए आप लोगों को। तो ये देख लें। दूसरा, आप लोग असाइनमेंट नोट कर लें अपनी। असाइनमेंट आप लोगों को देने लगा हूँ अभी, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को असाइनमेंट का। तीन, आप पहले आपने स्टोर क्रिएट करना है शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम पे, जो कि आप लोगों का होगा नया स्टोर होगा, जीरो से आपने क्रिएट करना है, ठीक है? प्रोडक्ट कैटेगरीज आपने बनानी है, डू ऑल द नेसेसरी सेटिंग्स। सेटिंग में जाके जो नेसेसरी सेटिंग्स हैं आपने सारी की सारी करनी है। नंबर चार, अपलोड आ प्रीमियम थीम फ्रॉम द सेट ऑफ थीम्स आई गेव यू गाइस, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को थीम्स दिए हैं उसमें से आपने अपनी मर्जी का कोई भी थीम अपलोड करना है। आपने होम पेज का कंप्लीट सेटअप करना है विद टेक्स्ट इमेजेस स्लाइडर साइन अप, सॉरी साइन अप कह रहा हूँ, न्यूज लेटर एंड पॉपअप यूजिंग मेल चैम्प, ठीक है? आपने पॉपअप क्रिएट करवाना है जो कि मेल चैम्प से इंटीग्रेटेड होगा। समझ आइए कि जो भी आप, और आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब क्लास में मैं आप लोगों के चेक कर रहा हूँ असाइनमेंट, तो मैं किसी का भी स्टोर ओपन करवा के उसको बोलूंगा कि चलो स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा और आप लोगों को कहूंगा कि यार ठीक है ओके, ईमेल अपना सबमिट करो और दिखाओ मुझे कि वो मेल चैम्प में सेव हो रही है या नहीं हो रही पॉपअप के थ्रू, ठीक है? समझ आ गई चीज? अच्छा, उसके बाद आ जाती है पीओडी की बारी, इंस्टॉल डब्ल्यूसी फुलफिलमेंट ऐप एंड ऐड
वन प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी, ठीक है? आपने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है हर कैटेगरी में, और प्रोडक्ट आप कोशिश कीजिएगा प्रोडक्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चूज करें, जैसे शर्ट हो गई, जैसे कैप हो गई, सिंपल सिंपल सी ना चूज करें, जैसे मग है या फोन कवर है, इस तरह की चीजें ना चूज चूज करें। कोशिश करें जरा कॉम्प्लेक्स ही प्रोडक्ट चूज करें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअली डिजाइनिंग कैसे करनी है। तीन प्रोडक्ट्स, सिर्फ तीन प्रोडक्ट्स। नंबर टू, इंस्टॉल एनी प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐप एंड गिव कस्टमर दी फॉलोइंग चॉइसेस। आपने उनको बताना है, उनको उनको ये ऑप्शन देनी है, उनको ये आपने ऑप्शन देनी है, अपलोड फाइल ऐड टेक्स्ट, अपलोड फाइल ऐड टेक्स्ट, चूज साइज फ्रॉम यूजिंग रेडियो बटन एंड चूज कलर फ्रॉम ड्रॉप डाउन। ठीक है, आपने ड्रॉप डाउन के थ्रू कलर का ऑप्शन देना है और रेडियो बटन का ऑप्शन देना है। So, all the products on home page of your website. ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, सिंपल सी, सादा सी, छोटी सी। आई गेट इन टू पीसी से करें आप लोग, आई गेट इन टू पीसी, वहां से हो जाएगा, आपको थोड़ी कोशिश कर लेंगे तो हो जाएगा। छोटी सी असाइनमेंट है, बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी। आपने सिर्फ क्या करना है, ऐसे चुटकी बजानी है और आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। आपने सिर्फ एक देखें कितनी जल्दी असाइनमेंट होती है, देखें असाइनमेंट कितनी जल्दी होती है। आपने एक स्टोर बनाना है नया, उसमें तीन मेन और तीन सब कैटेगरीज बनानी है, सेटिंग में जाके सेटिंग करनी है, थीम अपलोड करना है, होम पेज सेट करना है, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट इंस्टॉल करना है, प्रोडक्ट ऑप्शन इंस्टॉल करना है। ये तीन और ये चार ऑप्शन देने हैं, होम पेज पर प्रोडक्ट शो करवानी है, असाइनमेंट डन, खत्म। ठीक है, छोटी सी असाइनमेंट है ये, और मैं आप लोगों को इसकी डेट ही बता देता हूँ। असाइनमेंट डेट ऑफ सबमिशन वेंसडे। वेंसडे को क्या डेट है? वेंसडे को है 20th अक्टूबर 2021। ये आप लोगों की असाइनमेंट रेडी हो गई है। जिस जिसने स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लें। आप लोगों के पास वीकेंड भी आ जाएगा, 12 रबी अव्वल की छुट्टी भी आ जाएगी शायद। एट लास्ट भी करेंगे यार, जरूर चेक करेंगे। अब उन लोगों के असाइनमेंट जिन्होंने पहले किया था, अब ये ना समझे कि उनके असाइनमेंट चेक नहीं होगी। मुझे चाहे 2 दिन लगाने पड़े असाइनमेंट चेक करने पे, आप लोगों के असाइनमेंट चेक करूंगा ये मैं सारे के सारे। और जिसकी सबसे अच्छी असाइनमेंट होगी, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। चाहे वो कोई मैं लाइसेंस दे दूं आप लोगों को, चाहे कोई आप लोगों को प्रीमियम थीम दे दूं विद जबरदस्त सी एपीआई वाला थीम, अच्छा सा थीम, या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसका जरा एक स्क्रीनशॉट ले लूं, ताकि मुझे भी याद हो मैंने क्या असाइनमेंट दी है। और ग्रामरली सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कंटेंट राइटर है यार, वो नहीं मिलेगा किसी और को, क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट ग्रामरली फिर ब्लॉक हो जाएगा। जब उन्होंने देखना है ना कि 150 लॉग इन 1 मिनट में कर दिए, तो वो फिर उन्होंने कहना ये क्या हुआ। मे बी उसको जॉब मिल जाए मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए, जॉब मिल जाए उसको, मे बी और कोई सरप्राइज हो। तो इंशाल्लाह जिस की सबसे अच्छी असाइनमेंट होगी उसको जरूर इंशाल्लाह कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो ये अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। मोहम्मद अमाद, आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर दिया था, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था यार। नहीं यार, गौर से फॉलो किया करें, गौर से फॉलो किया करें यार। मैंने जो लिखा है दोबारा दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है, ठहरे जरा, ये देखें, स्टॉप शेयर, शेयर एंड वाइट बोर्ड शेयर, ये लिखा हुआ है, देखें गौर से फॉलो करें, गौर से देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। इतना काफी है जूम, इससे ज्यादा जूम होगा नहीं, ये बस, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा।
कोई बुक मिल सकती है, कोई पेन मिल सकता है, कोई कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी और हो सकता है। हेडर में मेन्यू नहीं खुलता, मेरा ड्रॉप डाउन आ जाता है उस सब कैटेगरी पर। तो हेडर में मेन मेन्यू तो ओपन नहीं होता समीना आसिफ कभी भी। एप्पल नोटबुक, एप्पल बनाओ उस पर। iPhone 13 मिल सकता है, मिल सकता है iPhone 13, क्यों नहीं मिल सकता। सब पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में अवेलेबल हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मिल सकता है। अभी की ऑडी मांग लेगा, हाँ ऑडी मांग लेगा, बिल्कुल ऐसे ही। सर आपकी पोस्ट पर वो लोग पहले कमेंट करें का असाइनमेंट रहेगा। चलो देखेंगे यार, हम एक मैं एक प्रोटोकॉल बनाऊंगा पूरा एक, जिसके मुताबिक असाइनमेंट चेक होंगी। तो आप लोगों ने पूरा एक कंप्लीट स्टोर बनाना है, पूरा कंप्लीट स्टोर है 0 A to Z। और आपको इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप लोग ये बना लेते हो तो यही आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, एंड यू कैन प्रेजेंट इट टू योर क्लाइंट्स ऑन वर्डप्रेस या सॉरी ऑन फाइवर, आप वो कहीं पे भी आप इसको अपने क्लाइंट्स को शो करवा सकेंगे। यही यही पूरा पोर्टफोलियो कि देखें जी ये स्टोर मैंने बनाया है, ये POD स्टोर है। अब जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग का एक अलग स्टोर बना लेंगे, तो आपको ड्रॉप शिपिंग का पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता हूँ। पेज बिल्डर कल करेंगे इंशाल्लाह जावेद, कल हमारी छोटी सी क्लास होगी 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, तो उसमें हम पेज बिल्डर कर लेंगे। क्योंकि वो पेज बिल्डर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा है पेज बिल्डर, जैसे आप लोग एलिमेंटर पे काम करते हो वैसे ही है। तो उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो बस आपको लॉजिक समझाऊंगा कोई थोड़ी सी, कोई कोशिश करेंगे, कोई एक लैंडिंग पेज को कॉपी करने की कोशिश कर लेंगे अगर टाइम हुआ तो, एंड देन उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फोटोशॉप की क्लास आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीक में शॉपिफाई क्लास किसी डिजाइनर के, डिजाइनिंग के ट्रेनर के साथ आप लोगों की क्लास रखवा दूँ एक क्लास, एंड आप उस क्लास को लें और आप थोड़ी बहुत डिजाइनिंग जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो सीख लें, वीडियो में दे दीजिएगा। अच्छा मैंने कल एक वीडियो अपलोड की, लेक्चर की वीडियो अपलोड कर दी, तो लोगों ने मुझे मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए कि सर प्रीवियस लेक्चर की वीडियो भी अपलोड कर दें, या पहले लेक्चर्स की वीडियो भी अपलोड कर दें, या नेक्स्ट भी वीडियो अपलोड करते रहिएगा, बिगड़े ना आप लोग। जो मैंने एक कर दी थी अपलोड, उसी पे आप लोग खुशियाँ मनाएं, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ भी। कि मैं आप लोगों को हर क्लास की वीडियो आप लोगों को दूंगा, या आप लोग जिस दिन नहीं आएंगे शहजादों की तरह अगले दिन आके मुझे कहेंगे सर वीडियो दे दें हमें, या आप लोग जिस दिन नहीं आएंगे मुझे मैसेज करके कहेंगे सर वीडियो दे दें हमें, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप देखें आप लोग माशाल्लाह, हम लोग सारे मुस्लिम हैं, हम लोग सब लोग नमाज पढ़ते हैं, सब ने जुमे की नमाज के लिए जाना होता है, मैंने भी जुमे के लिए नमाज के लिए जाना होता है, आपके साथ 150 लोग और होते हैं, उन्होंने भी जुमे की नमाज के लिए जाना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमने भी जाना होता जुमे के लिए, तो अगर आप लोग औरों के साथ थोड़ा रुक जाएंगे, जुमे की नमाज तो पढ़नी होती है। हाँ अगर आपके एरिया में जुमे की नमाज जल्दी हो जाती है, जैसे हमारी क्लास एंड होती है 12:45 पे, 12:45 पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 12:45 पे किसी भी मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, नॉर्मली 1:15 बजे 1:30 बजे तक होती है। तो कोशिश कर लिया करें, UI UX का नहीं होगा, मीन्स ये आप लोग इस तरह की ख्वाहिशात ना करें कि ये UI UX का मैं लेक्चर यहाँ पर रख दूँ। एक लेक्चर में आप लोगों को कौन आके UI UX सिखाएगा? UI UX का आर्ट, अब जो गूगल गूगल का कोर्स मैं कर रहा हूँ UI UX का, वो 8 पार्ट्स पे और तकरीबन 36 वीक्स का कोर्स है वो, सॉरी 36 नहीं 12, तकरीबन 36, हाँ 36 वीक्स का कोर्स है वो। तो UI UX नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे, लोगों को सिंपल सा फोटोशॉप नहीं आता, आप लोग UI UX की बात कर रहे हैं, जिसके लिए Adobe XD चाहिए आपको। यहाँ फोटोशॉप की लाले पड़े हुए, आप लोग कह रहे हैं Adobe XD करवाएं, तो वो नहीं चलेगा इस तरह का। जिन लोगों ने UI UX या इररिलेवेंट चीज़ें करनी है, वो कहीं और जाके कर लें, यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूँगा, जो मैं करूँगा। शॉपिफाई के लिए, ये शॉपिफाई के लिए, वर्डप्रेस के लिए, UI UX के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बैच में UI में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करें ज़रूर, अगर आपको एडमिशन मिल गया तो ज़रूर आप लोग कर लेंगे। बट क्या करना है इतने कोर्सेज करके यार, बहुत है कोर्सेज, इस किसी एक चीज़ को लेकर निकल आगे आगे निकल जाएँ तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। तो एक्सेस देंगे करने के लिए? नहीं जी मैं एक्सेस नहीं दूंगा, मैंने उसके लिए पेमेंट की हुई है, उस कोर्स की एक्सेस नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो एक समझ लें किस्म का NDA के अंडर है, कि आप ये कोर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी के साथ आप इसका कंटेंट नहीं शेयर करेंगे, वो NDA के साइन,
अंडर है, तो अगर मैं शेयर करना भी चाहूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। डिजाइनर्स के लिए ठीक है यार, उसकी फीस आई थिंक $36 या $39 पर मंथ। सनी अली वाले करवा रहे हैं, अच्छा वहां से कर लें। ओके यूट्यूब से मिल जाते हैं वो कोर्सेरा के लेक्चर्स, मिलते हैं अगर मिल जाते हैं तो शायद। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई कर लें, कर लें जी क्यों नहीं करें। डीवी की तरह टूल है कोई शॉपिफाई का? डीवी की तरह टूल वो पेज बिल्डर ही होता है, डीवी पेज बिल्डर ही है। पेज फ्लाई यूज कर लें जिसने करना है वहां से। ठीक है सर, यूडमी पर जाएं, सभी ई रोजगार पर करवा रहे हैं। अगर ई रोजगार वाले करवा रहे हैं तो ई रोजगार से कर लें। अगर आपको एडमिशन देते हैं वो तो वहां जरूर करें, क्यों नहीं करें। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। डील बनाओ, से स्टैब्लिश करो, सेल कर दो। लेकिन नॉर्मली ई कॉमर्स स्टोर की वैल्यू जो है ना, मैं चले एक चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। ई कॉमर्स स्टोर की जो वैल्यू है वो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन, कितनी फास्ट लोड होती है उससे नहीं बढ़ती, उससे नहीं बढ़ती। हमेशा नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ट्रैफिक कितनी आ रही है वो वैल्यू डिटर्मन करती है आपके ई कॉमर्स स्टोर की। अगर आपके 10-12 हज़ार, 15 हज़ार कस्टमर हैं तो आप इजिली अपने स्टोर को 10 से 15 हज़ार डॉलर के दरमियान दरमियान सेल कर सकते हो इजिली। हाँ तो होस्टिंग सर्वर पर वर्डप्रेस पे न्यू डिजाइन ठीक रहती है या लोकल पे? ऑनलाइन ही करें सुहेल कही हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो लोकल होस्टिंग्स है ना, लोकल होस्टिंग जब आप बनाते हैं तो उसके डेटाबेस के इश्यूज बहुत सारे आते हैं। कोशिश करें कि आप बीटा वर्जन ऑनलाइन ही बना लें और ऑनलाइन इसको कर लें। मतलब SEO भी इतनी नीच चाहिए? SEO ठीक, हाँ अच्छी हो SEO आपकी, ऑन ऑन पेज SEO अच्छी हो। पूरा स्टोर क्रिएट करने के बाद हम डोमेन अटैच कर सकते हैं, पहले पूरा पूरा स्टोर क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं। हम इनकम को मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं होते फ्लिपिंग के लिए। अगर डोमेन अच्छी हो तो फिर सेल होती है, वैसे सेल नहीं होती। समीना श्री आप पूछ लें क्वेश्चन, ये पूछने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन है, पूछ लें क्वेश्चन। तो कहते हैं कि ऑनलाइन पे ज्यादा चेंजिंग या वर्क करने से होस्टिंग इशू आ जाते हैं? नहीं कोई इशू नहीं आता। डू यू नो हाउ टू सेटअप ड्यूटीज कस्टम फॉर कैनेडा ऑर्डर्स? आई हैव टू ऑर्डर्स, आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट शिफ्ट। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेटअप कैनेडियन टैक्स ड्यूटीज, इम्पोर्ट कॉस्ट। आई हैव टू ऑर्डर्स फ्रॉम कैनेडा बट अनश्योर हाउ टू सेट इट अप। क्या सेट करना है आपने? इसका ई कॉमर्स स्टोर है या कोई और कुछ और है, या आपकी प्रोडक्ट सेंड करना चाह रहे हैं उससे आप? अब वो क्लाइंट किस कंट्री का है, क्या प्रोडक्ट सेल करना, क्या प्रोडक्ट वो सेंड करना चाह रहा है, क्या सेल करना चाह रहा है वो? तो USA कनाडा तो भाई भाई हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे, उधर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई इलीगल चीज भेजना चाह रहा है जो कि कनाडा में अलाउ नहीं है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो चीज ऐसी है जो कि लीगल है, नहीं, पड़ती आते स्टोरेज अलग ही उसके साथ ही शामिल होती है। टैक्स का इशू है तो आई हैव नो नॉलेज एट ऑल कि USA की क्या टैक्सेस हैं और USA की और कनाडा की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो आप किसी लॉयर से हेल्प ले लें, कोई किसी किसी लीगल पर्सन, क्लाइंट को बोलें किसी लीगल पर्सन से हेल्प ले लें, क्योंकि मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है कि कनाडा और अमेरिका की क्या टैक्स में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी आइटम्स एग्जम्प्टेड हैं, कौन से आइटम्स एग्जम्प्टेड नहीं है। तो वो टैक्स अकाउंटेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ये टैक्स एक्सपर्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कॉमर्स से हो जाता है वर्डप्रेस। वही कह रहा हूँ ना, प्रोडक्ट का मुझे नहीं आइडिया कि प्रोडक्ट क्या सेल करना चाह रहा है, वो क्या प्रोडक्ट भेजना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट उसका क्या टैक्स रेट है। मे बी वो USA से कनाडा अलाउ ही ना हो, या उसका कस्टम ज्यादा हो, टैक्स अलग ज्यादा हो, तो वो आप पे डिपेंड कर, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पर डिपेंड करता है, उस क्लाइंट के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। तो वो हर चीज अलग अलग है। तो आप लोग उस क्लाइंट को बोलें कि अपने टैक्स लॉज, अपनी चीजें देख लें। मीना शरीफ आपको देख, आप लोग पता नहीं क्यों इस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे। मैंने पहले भी समझाया था इसका आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने जहां जिस कंट्री से चीज भेजनी है उसका टैक्स सिस्टम समझना है। आपने पाकिस्तान से चीज भेजनी है तो आप पे अमेरिका का टैक्स टैक्स नहीं आप पे टैक्स नहीं यहाँ पे लागू होगा, आप पे पाकिस्तान का टैक्स आप पे चलेगा। अगर आप कनाडा में बैठ के चीज सेल कर रहे हैं तो आप पे कनाडा का टैक्स अप्लाई होगा। अगर आपकी कंपनी कनाडा में रजिस्टर्ड है तो टैक्स टैक्स जो है वो कनाडा का अप्लाई होगा।
अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो आप पे टैक्स पाकिस्तान का अप्लाई होगा, कनाडा का नहीं होगा। तो हमने पाकिस्तानी टैक्स लॉज को समझना है, ना कि हमने किसी और के टैक्स लॉज को समझना है, ठीक है। तो जब हम अपना स्टोर पे क्रिएट करेंगे तो हम तो अभी तक फाइलर ही नहीं है। जब फाइलर नहीं है तो टैक्स का हमसे क्या लेना देना। आतिफ, आप अगर आप उसकी एपीआई अगर वो देते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन, तो एपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। गूगल से यार, गूगल गूगल इज द बेस्ट वे। गूगल करके देखें सिर्फ पाकिस्तानी रेट्स, बस इतना लिख लें गूगल पे, आपको सारे रेट मिल जाएंगे। ये देखें सारे रेट मिल रहे हैं, ट्रेडिंग के रेट, बाकी सारे स्टेट इनकम टैक्स के रेट्स, वो सारे मिल जाएंगे आपको। इवन एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप देख लें। आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जो फाइलर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फाइलर हैं? 4-5। एनटीएन नहीं पूछा मैंने, सिर्फ फाइलर पूछा है। एनटीएन नंबर फाइलर तो नहीं ना होता। आप लोगों का टैक्स से क्या लेना देना जो फाइलर नहीं है? तो थोड़े फाइलर को आप लोगों ने क्या, हस्बैंड इज फाइलर, स्टेटस इज एक्टिव, तो आपके हस्बैंड फाइलर है, तो आप तो फाइलर नहीं है। दुबई में करना चाहते हैं, जरूर करें भाई, दुबई के लॉज को समझ लें। तो फाइलर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नो कमेंट्स। आसिफ, आपको खुद पता होता है कि आपने फाइलर बनना है नहीं बनना। फाइलर के लिए क्या कंडीशन होती है? कोई कंडीशन नहीं होती यार, हर बंदा फाइलर हो सकता है, हर बंदा फाइलर हो, हर बंदा टैक्स पे कर रहा होता है। बस उसको ये होता है कि जब आप एक्चुअली टैक्स, जब फाइलर बन जाते हैं तो वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है, आपने कितना टैक्स दिया। बिजनेस वालों के लिए बेनिफिट है, बैंकिंग के लिए बेनिफिट है, हर बंदा फाइलर हो सकता है, कंगाल भी फाइलर हो सकता है। हम ज्यादा टैक्स देते हैं फाइलर की निस्बत। अच्छा ओके, चले आतिफ, दुख हुआ सुन के कि आप हर चीज पे टैक्स देते हैं। कोई बात नहीं, सब सब ही देते हैं। इस पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं हम लोग टैक्स सारे, हम लोग सारे टैक्स पेयर्स हैं। मैं एक छोटी सी आप लोगों को मैं कमेंट एक चीज बताता हूँ, फिर क्लास क्लोज करते हैं। फेसबुक पे ना किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा पैसे से ये लोग अमीर बने बैठे हैं, हम पे क्या लग रहा है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है हमारी। अच्छा नहीं, टीचर थे, एक टीचर थे मेरे, याद आ गया। उन्होंने टैक्स की हुई थी कि अब टीचर्स पे भी टैक्स लगेगा, टीचर्स पे भी टैक्स लगेगा, टीचर्स की इनकम पे भी टैक्स लगेगा। हम तनख्वाहें पहले कितनी जो टैक्स देते हैं, हम पे भी टैक्स लग जाए। तो मैंने नीचे सिर्फ एक कमेंट किया था, मैंने कहा सर अगर आप लोगों को, या हमें ये अंदाजा हो जाए कि यूरोप में कितना टैक्स है ना, और वो यूरोप वाले कंडीशंस हम पे अप्लाई हो जाएं, तो हमारी चीखें निकल जाएं। मैंने अपने में बात लेके की बात की थी, उनको कमेंट किया था, मैंने कहा सर अगर हमें ये पता चल जाए ना कि यूरोप में या किसी और कंट्री में टैक्स कितना है, और हम पे वो कंडीशंस लग जाएं, तो हमारी चीखें निकल जाएं। और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया उस टाइम। यस 40% टैक्स है, 30-40% टैक्स है, और हम लोग सच सच सुनना पसंद नहीं करते। बेनिफिट देखें तो जितने पाकिस्तान में हम टैक्स देते हैं उतने बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। जितना पाकिस्तान में हम टैक्स देते हैं ना, अपने आप को अपने अपने आप को रख के देख लें, जितना हम पाकिस्तान में टैक्स देते हैं उतने हम, उससे ज्यादा ही बेनिफिट मिल रहे हैं हमें, उससे कम नहीं मिल रहे। मुझको तो नहीं मिला, चले अल्लाह आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, मनोसलवा आप लोगों पे अल्लाह ताला ना, बट हम पे मनोसलवा भी आ जाएगा, हम फिर भी नाशुक्र ही रहेंगे। तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, हमें उस खुश रहना चाहिए जो हमें मिल रहा है ना। हम टैक्स देते हैं फिर भी हम कहते हैं इस कंट्री, इस मुल्क ने हमें दिया क्या है। देखें टैक्स रेट्स, पर्सनल, देखिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट 43 और 51%, 43 कम से कम 43% है, और ज्यादा से ज्यादा 51% है। तो देखें जब आपको आए ना $100 आए आपको, और 43 उसमें से टैक्स में चला जाए, तो आप लोगों को लग पता जाएगा। तो 20% फाइवर ले लें, ऐसा ही है। जब $100 का ऑर्डर करें, आपके पास $30 आएंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा। इनकम भी इसी हिसाब से है। और भाईजान
आपकी इनकम अगर 1600 यूरो 1800 यूरो है ना, तब भी आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम भी इसी हिसाब से है। हम हर चीज ब्लेम देते हैं कि वहां पे इनकम है। हमारे पास असल में ना वो एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं कि हम वहां पे ऐसे, वहां पे ऐसे, वहां पे ऐसे। हमारे पास हर बात का एक्सक्यूज है, हर बात का एक्सक्यूज है। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं ना पाकिस्तानी, जो 1500 यूरो 2000 यूरो पे काम कर रहे हैं, वो भी 43% टैक्स ही दे रहे हैं। 3000 दरहम, अच्छा ओके, 3000 दरहम को पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करो, फिर उस पर टैक्स निकाल के मुझे बताओ कितनी कितनी बचत होती है। और जो 300 300 दरहम तनख्वाह लेता है, वहां पे खर्चा कितना है उसका, बचता कितना है, 15,000 20,000। आई वॉज इन US ऑस्ट्रेलिया, आई यूज टू पे एग्जैक्टली 20% टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम तो उनसे बहुत बेहतर हैं, जहाँ पे हम टैक्स भी नहीं देते और आराम से इस मुल्क में रह भी रहे हैं, हर तरह की लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं, सड़कें इंजॉय कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस इंजॉय कर रहे हैं बगैर किसी मसले के, नॉर्दर्न एरियाज घूम आते हैं बगैर टैक्स के। जब नॉर्दर्न एरियाज में टिकट लगे ना, कि एक बंदे का 5,000 रुपये टिकट होगा जाने का, तो लगे आप लोगों को पता। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए ऐसा, नॉर्दर्न एरिया से रश कम करें, इसी 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 चक्कर में जिसको थोड़ा सा टाइम मिलता है उठा के गाड़ी पहुंच जाता है नॉर्दर्न एरियाज। पता हो ना, एक एक टूर का 5,000 रुपये टिकट लेना पड़ेगा, या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5,000 पर पर्सन। वही लोग जाएंगे जिन्हें जिनको सफाई का ख्याल भी होगा, वही लोग जाएंगे जिसको वहां पे तमीज से रहना भी आता है। टूरिस्ट स्पॉट वीरान नहीं हो जाएंगे, टूरिस्ट ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे आते। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब इस तरह की चीजें होंगी तो फॉरनर ज्यादा आएंगे। अभी फॉरनर्स इसलिए ज्यादा नहीं आते कि वहाँ मसले मसायरे यहाँ के बहुत सारे हैं। जब वहां पे टैक्स कलेक्ट होगा और उन एरियाज के डेवलपमेंट पे भी लगेगा, उन एरियाज को मजीद डेवलप इसलिए नहीं किया जा रहा कि वहाँ उनके पास पैसा ही नहीं है, लगाने को पैसा ही नहीं है। जब वहाँ वहीं से टैक्स टैक्स कलेक्ट होके वहीं पे लगेगा, तो सर्विसेज ज्यादा होंगी है। जब फॉरनर ज्यादा आएंगे तो इनकम इनकम बढ़ेगी। वही लोग जाएंगे जो सीरियस होंगे, जो जो जाना चाहते हैं, वाकई घूमना चाहते हैं, पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और लेकिन लोग फिर भी जाएंगे। रश कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगी, ज्यादा भी ना हो। हाँ, मैं वही एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ ना, कि इतना टैक्स हो जो कि रीजनेबल हो, हर बंदा पे कर सके। कभी जब हम लोग कभी जाते हैं, जैसे आप लोग जाते होंगे वीकेंड्स पे कभी जाएं, तो वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है कि उसी लाइन में लग के वापस आ जाता है इंसान, इधर उधर गुजरने के बजाय, या वापस आना मुश्किल हो जाता। होता है ऐसा, हमारे साथ हुआ है ऐसा। हम लोग गए, वो तो 1.5 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, और वहीं से हम उसी लाइन से वापस आ गए। रास्ते में एक रात स्टे किया, गाड़ी लाइन में ही है साइड पे, चलें बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हाईवेज फुल होती हैं वीकेंड्स पे। और होटल्स का हक बनता है लेना, उसकी वजह ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त है, तो उसका ना नॉर्दर्न एरिया में घर है, वो पहाड़ पहाड़ पे घर है उसका, यानी आपको वहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता है, और इंसान जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी की टर्म फावा हो जाता है, यानी दूरा हो जाता है, तो वो हाल हो जाता है ऊपर तक पहुँचते पहुँचते। तो वो बताता है कि उस घर को बनाने पे इतनी कॉस्ट आई है कि हम इस्लामाबाद सेक्टर में, अच्छे सेक्टर में 2 घर बना सकते थे। वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को ऊपर पहुँचाना, मटेरियल को। अब इस तरह देखें, आपको यहाँ पे अगर आपके घर बना रहे हो, 100 ईंटें काम हो गई हैं आपकी, 100 ईंटें आप जाते हो मार्केट से ले आते हो, वहाँ पे 100 ईंटें कम हो जाए ना, तो लग पता जाए आपको 100 ईंटों ऊपर मंगवाने के लिए आपको 100 ईंटों के कॉस्ट के से 50 गुना ज़्यादा पे करना पड़ेगा जो ऊपर लेके आएगा उसको उस जगह पे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। देखने के लिए गिद ले गया हूँ आप लोगों को, ये मैं टूर करवाना था आप लोगों को, टूर मैंने करवा दिया है, बाद में मुझे ये ना कहना कि सर आपने टूर नहीं करवाया। चलें, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। खुश रहें, कल की क्लास में ज़रा रिलैक्स माइंड के साथ आएं, इसीलिए आज आपको मैंने थोड़ा कम पढ़ाया, ताकि कल आप लोग आएँ तो आप लोगों के दिमाग की चीखें निकलवा दूँ एक बार, जब हम वो करेंगे पेज फ्लाई और पेज बिल्डर। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।